गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द सेकेंड पार्ट दैट वेयर वी स्टडी द एविडेंसिस टू शो दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट इट्स अ स्मॉल लेक्चर ओनली फ्यू स्लाइड्स आर देयर सिक्स सेवन स्लाइड्स नाउ Evidences. There are uh, several evidences that was given. First evidence, as you can see, it's the homology of the flower bud. Here you can see certain examples. First, here this is the homology. That means the floral and the vegetative buds both emerge either at the terminal position or at the axillary position okay so positioning of both the vegetative bud and floral buds is same so this one is one homology second is the floral buds can sometimes gets modified into vegetative buds or the bulbils for example agave agave these are the uh, floral buds that has been converted into the bulbils here, this is a whole inflorescence of the agave. Here, you can see the flowers, and these flowers have converted into bulbils like this. Okay, this is the enlarged portion. So, this is also a homology of the floral bud. Okay. Now, the second evidence is uh, axis nature of the receptacle. Now, receptacle of the thalamus. You know that. Uh, it produces the flower in which the nodes and internodes are present and uh, it at every node the voles of sepal petal uh, and uh, androsium garnetium are uh, given out so sometime what happens uh, these uh, internodes are highly condensed but in case of gynandropsis gynandra you can see the diagram here here the internode between the petal and the stamen plus stamen and the gynoecium has been elongated. So you can see this. This is the. This is called as gynandrophore, and here this is called as the gyno, um, gynophore. Okay. So this shows that actually this is a. वेजिटेटिव एक्सेस विच हैजेकन द स्पेसलाइज फंक्शन ओके इंटरनोडल रीजन जो है वो लंबे हो गए हैं सेकेंड एविडेंस वी कैन सी रोज प्लांट जो होता है इन दिस ऑल्सो समटाइम वट हैपन्स वन रोज इज गिवन आउट एंड देन द रेप्टिकल कंटिन्यूज टू ग्रो फर्दर ओके टू प्रोड्यूस द फोलिएजीव या फ्लावर बना देगा उसके पहले उसके बाद जो उसके इंटरनोड है वो और लंबे हो जाएंगे उसके बाद वो वेजिटेटिव शूट दे देगा सो दैट ऑल्सो शो दैट द फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट ओके देन नेक्स्ट इज फोलिएज नेचर ऑफ द एपेंडेज नाउ हियर वी कैन सी दैट द फिलोटैक्सी फिलोटेक्सी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम ओके सो द फिलोटैक्सी ऑफ़ फोलिएज लीव जो नॉर्मल लीव्स होते हैं एंड द फ्लोरल एपेंडेज सेपल पेटल एंड गाइनोशियम उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है दैट मीन्स फिलोटेक्सी इज सिमिलर ओके सेकेंड है एस्टिवेशन एस्टिवेशन आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि फ्लोरल एक्सेस कैलिक्स कोरोला जो है अगर उनका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो वो कैसे अरेंज होते हैं वेदर दे आर अरेंज्ड इन वेलवेट कंडीशन देन ट्विस्टेड कंडीशन और इम्ब्रिगेड कंडीशन है, uh, है ना तो उसको एस्टिवेशन बोला जाता है तो अगर हम इनिशियल स्टेज पे फोलिएज लीव देखें बर्ड कंडीशन में अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो वहां पे भी उनकी एस्टिवेशन फ्लोरल लीव्स जैसे ही होगी फ्लोरल लीव्स इन द सेंस कैलिक्स कोरोला है ना तो एस्टिवेशन ऑफ द फोलिएज लीव एंड द एस्टिवेशन ऑफ द फ्लोरल लीव्स दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला और आल्सो सिमिलर ओके एंड थर्ड अगर हम देखते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिसेंडा का you can see uh, one of the calyx. Okay, this is the diagrammatic represent, representation. This is calyx. Okay, complete calyx and these are the sepals. So one of the sepal has been uh, uh, changed into uh, leaf like structure. Okay, so sepal has modified leaf like structure. ओके okay, वो एनलार्ज हो जाते हैं और वो लीफ लाइक कई बार वो ग्रीन होते हैं कई बार वो ऐसे पिंकिश वाइटिश um, हो जाते हैं कई बार वो ब्राइटली कलर्ड भी होते हैं है ना तो ये जो है दिस इज ऑल्सो एविडेंस दैट द फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट ओके देन वी कैन सी ट्रांजिशन ऑफ द फ्लोरल लीव दिस इज वेरी क्लियरली सीन इन लिम्फिया दैट इज द वॉटर लिली वॉटर लिली का जो प्लांट होता है सो ऑल डिग्री ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सेपल टू पेटल एंड फ्रॉम पेटल टू स्टेमिन कैन बी सीन है ना तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी बाहर वाले जो पेटल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कोई उसके अंदर आपको स्टेमिन uh, नहीं मिलेगा एज वी गो इन टू इनर एंड इनर वोल सो ये दिस इज आउटर और उसके बाद ये जो है ये दोनों आउटर वोल में आ जाते हैं इनफैक्ट ये तीन आउटर वोल में आते हैं है ना तो इसके अंदर यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ है ये पेटल के ऊपर ही बने होते हैं है ना इनमें कोई ऐसा फिलामेंट जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है ये जो लाइने आप देख रहे हैं दीज आर दी सिंपली द विनेशन ऑफ दैट पेटल ओके ये जो है ये सेंट्रल पेटल है इसके अंदर थोड़ा सा ये और डिफरनशिएट हो गया है और पेटल जो है वो थोड़े छोटे होने लगे हैं है ना ये ये जो है ये दोनों जो है सेंट्रल uh, स्टेमन के है इसमें पेटल और आप अंदर की तरफ चलेंगे तो पेटल और थोड़े छोटे हो जाएंगे स्टेमन और थोड़े प्रोमिनेंट होने लगे और इनर पेटल में जो इनर अंदर 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 के जो बोल होते हैं उसके अंदर आप देख रहे हैं कि स्टेमन जो है वो प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं और नीचे का जो हिस्सा है वो एक फिलामेंट uh, के तौर पर डेवलप होने लगा है अल्टीमेटली बिल्कुल सेंटर में हमको इस तरह के मिलेंगे सो अ कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम पेटल टू स्टेमन कैन बी विजुलाइज इन केस ऑफ निम्फिया एक ही प्लांट में सारी ट्रांजिशन आपको नजर आएगी फिर इसके बाद हम फिफ्थ केस देखते हैं एक प्लांट है डिजिनेरिया ये मैग्नोलिय uh, फैमिली का मेंबर है और ये काफी प्रिमेटिव फैमिली है स्टार्टिंग स्टार्टिंग की फैमिली है राइट right? और ये फीजी फीजी का जो है एक इंडेंजर्ड प्लांट है और उसी फीजी एरिया में जो है वो मिलता है और इसके जो स्टेमन्स हैं ठीक है और कार्पल्स जो है वो लीफ लाइक मिलेंगे आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है दिस इज एक्चुअली द स्टेमिन पोर्शन ये जो है ये क्या है ये जो ऊपर डार्क है ये ये आपके एंथर वाले पोजिशन पे हमको नजर आते हैं ना तो ये यहाँ पे जो डिजेनेरिया का एक पेटल है उसके ऊपर एंथर जिस तरह से लगे हुए हैं दिस इज द डायग्रमेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह के लीव्स होते हैं है ना और ये है आपका स्टेमिन और यहाँ पे जो है स्टेमिन का साइड व्यू है और यहाँ पे आप कार्पल देख रहे हैं कार्पल जो है कार्पल भी फ्लैटेंड uh, होता है उसमें कोई स्टाइल एंड स्टिग्मा आपको ऐसा नजर नहीं आएगा है ना फ्लैटेंड होती है सारी चीजें राइट सो दिस इज आल्सो एंड दिस इज अ प्रिमेटिव प्लांट और ये एवोल्यूशनरी um, सीक्वेंस में भी काफी अच्छे से स्टडी किया गया है तो so, इसके अंदर भी वी कैन सी दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट ओके नाउ लास्ट में हम क्या देखते हैं सिमिलैरिटी इन द वेस्कुलर सप्लाई सो फ्लोरल पार्ट्स में जिस तरह से वेस्कुलर सप्लाई होती है उसी तरह से वेस्कुलर सप्लाई जो है आपकी वेजिटेटिवली वेजिटेटिव लीजिए वेस्कुलर सप्लाई क्या होता है द द बंडल्स द फ्लोयम एंड द एंडलम बंडल्स जो आते हैं फ्लावर uh, में और लीवस में वो उनका जो तरीका होता है वो एक जैसा होता है ठीक है सो वी कैन से दैट देर फोर इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट अब इस पूरे लेक्चर के ऊपर बेस जो एक मेन क्वेश्चन बनता है वो मेन क्वेश्चन बनता है डिस्कस द एविडेंसेस इन सपोर्ट दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट है ना तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आप डायरेक्टली ये जो पीछे के ये जो पूरी पीपीटी है ये पूरी की पूरी जो है पांच छह एविडेंसेस विद डायग्राम एंड Mm, uh, support you can uh, write the answer. Okay, thank you.